जो वोटर जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा में समझाया जाता है। वो अनपढ़ हैं, बोलना नहीं जानती हैं, बहुत तरह की बातें जो गरीब गुरबा लोग की भाषा में हमने कहा था। मैं इसका मतलब कतई नहीं है कि किसी को अपमानित करना या किसी को किसी के भावना पर ठेस पहुंचाना। राजद के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के नए बयान ने बिहार में सियासी भूचाल ला दिया है। और बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो बयान दिया महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में, उसको लेकर विपक्ष काफी ज्यादा हमलावर है। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। देखिए, ऐसा है कि हमारी पार्टी का जो राष्ट्रीय जनता दल का अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ है, उसकी एक मीटिंग थी। बड़ी तादाद में ग्रामीण महिलाएं भी आई थी और उसी के दौरान, मतलब मेरा मकसद कहीं से किसी को आहत करने का नहीं था, मगर ये अमूमन होता है कि जो वोटर जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा में समझाया जाता है। तो स्वाभाविक है कि जो अत्यंत पिछड़ी जाति की जो महिलाएं हैं वो अनपढ़ हैं, बोलना नहीं जानती हैं, बहुत तरह की बातें जो गरीब गुरबा लोग हैं, तो उनकी भाषा में हमने कहा था। मैं इसका मतलब कतई नहीं है कि किसी को अपमानित करना या किसी को किसी के भावना पर ठेस पहुंचाना हमारा मकसद था। हमारा मकसद था अपने वोटर को टीच करना। उसका माध्यम जो है, हमने एक उसको मजाकिया लहजा भी कह सकते हैं आप, और मतलब कोई टारगेट करके किसी को नहीं बोला गया था, उनको उनकी भाषा में उनको समझाने के लिहाज से इस मैं भाषा का इस्तेमाल हमने किया था। इसका अर्थ से जो है लोग अनर्थ निकाल रहे हैं। पूरा स्टेटमेंट देखें तो पूरे स्टेटमेंट में जो है तथ्य सामने आ जाएगा। तो क्या फिर ये माना जाए कि बॉब कट कटाने वाली, बाल कटाने वाली महिलाओं को या फिर लिपस्टिक लगाने वाली महिलाओं को राजद में टिकट मिलेगा इस बार चुनाव में? भैया, अब मैंने पहले ही कहा आपको कि जो ग्रामीण परिवेश की जो औरतें हैं उनको आरक्षण क्या है, आरक्षण से क्या फायदा है, समझा कि नहीं? आरक्षण जब कर्पूरी जी के समय में लागू हुआ तो लोगों ने क्या क्या नारा लगाया, फिर जो है मंडल कमीशन आया तो क्या नारा लगाया, लालू जी ने किया तो उस वक्त क्या लोगों की भावना थी। तो किसी को मतलब ये एक मुहावरा या मजाकिया लहजे में समझिए कि उनको समझाने का था, किसी को आहत करने का नहीं था। ये थे हमारे साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहां ग्रामीण परिवेश की महिलाएं थी जिनको समझाने के क्रम में उन्होंने इस तरह का एग्जाम्पल दिया। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि इनका इरादा किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदित्य वैभव, पटना।